लगातार नाराज थे। वार्डवासियों ने पानी टंकी के पास कर्मचारियों को घेरे रखा। 4 घंटे तक वार्डवासियों ने पानी टंकी पर धरना दिया है। मौके पर विधायक विनय जायसवाल पहुंचे, अधिकारियों को जल्द पानी सप्लाई करने के निर्देश दिए। विधायक ने वार्डवासियों को शांत भी करवाया है। पार्षद सहित वार्डवासियों ने आक्रोश जाहिर किया था। मनेंद्रगढ़ नगर पालिका का यह पूरा मामला है। गर्मी का मौसम है और कुछ टेक्निकल खामियों के कारण पानी की जो वार्ड नंबर 15 में समस्या हुई है, इसके लिए तत्काल जो यहाँ के CMO हैं उनको निर्देश दे दिए हैं। इंजीनियर भी छुट्टी में है तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, वार्ड वासियों को तकलीफ हुआ है। अभी कल इंजीनियर आके इनके जो भी फॉल्ट है उसको ठीक करके जो प्रॉपर सप्लाई है पानी का वो कल से। तो आपने सुना विधायक विनय जायसवाल जो कि कह रहे हैं कि तकनीकी खामियों के चलते यहां पर पानी की सप्लाई ठीक तरह से नहीं हो पा रही है। 4 घंटे तक हालांकि वार्डवासी निगम कर्मियों को घेरे रहे, धरना प्रदर्शन दिया है। ये भी मांग उठाई गई कि जल्द से जल्द इस फॉल्ट को ठीक करें क्योंकि गर्मी का समय है और खासी मशक्कत करनी पड़ रही है यहाँ पर लोगों को। दूर दराज से पानी भरकर लाना पड़ता है और पानी सप्लाई नहीं होने वजह से कि आम जनता भी काफी नाराज थी, आक्रोशित थी। निगम कर्मियों की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि तकनीकी खामियों के चलते ऐसा हो रहा है। हालांकि अब ये भरोसा दिया गया है कि जल्द से जल्द इन खामियों को दूर किया जाएगा और जल्द से जल्द ये प्रयास रहेगा कि इन वार्ड में पानी की सप्लाई एक बार फिर से दुरुस्त की जा सके। वार्ड नंबर 15 जहां पर लोग आक्रोशित होकर निगम कर्मी को घेर चुके थे। दंतेवाड़ा से अगली बड़ी खबर, जहां नक्सलियों पर पुलिस ने एक बार फिर से शिकंजा कसा है। पुलिस ने नक्सलियों के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। नक्सलियों के लिए सामान लेकर बीजापुर की ओर ये सभी जा रहे थे। नक्सलियों के लिए बाइक खरीदी गई थी। पुलिस ने 1 लाख रुपए भी बरामद किए। नक्सली नेता मलेश ने 2 लाख रुपए दिए थे। गीदम पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी 10 जून को, जिसकी मलेश जो इंद्रावती एरिया कमेटी का प्लाटून नंबर 16 का कमांडर है, DBCM रैंक का है, उसके द्वारा कुछ सामान मंगाया जा रहा है। और ये सूचना मिलने के तुरंत बाद थाना गीदम अंतर्गत MCP लगाया गया। उस MCP के दौरान 3 जो थे वो मोटरसाइकिल में मिले और उनसे जो सामग्री बरामद हुई, तो उनसे पूछताछ करने पर सामग्री का वो करने पर हमें ये पता चला कि जो 3 आरोपी हैं उसमें बलराम तामो ताकिलोड भैरमगढ़ का रहने वाला है, शुभम दीक्षित भैरमगढ़ का है, विक्की गोयल गीदम के रहने वाले हैं। दमोह से अब अगली बड़ी खबर, जहां गंगा जमुना स्कूल विवाद में 3 लोगों को जेल भेजा गया है। गंगा जमुना स्कूल के प्रिंसिपल अफसर शेख जेल भेजे जा चुके हैं। शिक्षक अनस सतर, चौकीदार रुस्तम अली को जेल भेजा गया है। CJM कोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। प्रबंध संचालक अभी भी फरार बताया जा रहा है। दमोह का ये पूरा मामला जिसमें 3 लोगों को फिलहाल जो काफी एक दमोह का सेंसेशनल मामला है, उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर दमोह कोतवाली पुलिस ने पेश किया था न्यायालय में। और इसमें हमने आज जो जमानतें लगाई तो मालूम चला कि 295 का 506, 75 और 87 जुबिनाइल जस्टिस एक्ट, और उसके बाद आज इस मामले में धारा 3-5 धार्मिक अध्यादेश का जो एक मध्य प्रदेश का एक्ट है, इसमें इजाफा करके ये मामले में अभियुक्त गण को पेश किया गया था। हमने जमानत आवेदन लगाया और उसके साथ में जो उनका पक्ष था उसको सामने रखा, लेकिन आज न्यायालय ने ये पाया है कि इन्हें जमानत अभी प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। भारत की जो न्याय प्रणाली है, अब हमारे पास इसके बाद सेशंस कोर्ट है, सेशंस कोर्ट के बाद अन्य अपीलीय अधिकार हमारे सुरक्षित हैं, तो उसको लेके हम आगे की न्यायालय में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। जो भी बयान आए थे, बयान आने के बाद जो साक्ष्य एकत्र हुए थे, जिसमें प्राथमिक तौर पे हमने अभी 3 लोगों को अरेस्ट किया है और पूछताछ के लिए प्रबंधक के लोगों को बुलाया था, तो जो प्रबंध समिति है, तो प्रबंध समिति के लोग पिछले 2 दिन से इधर उधर भागे फिर रहे हैं और इस कारण से हम प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग आए, अपना पक्ष रखें, और इस कारण से पुलिस अपना काम कर रही है। एक प्रिंसिपल हैं जो अफसर शेख नाम है, दूसरा
एक टीचर हैं अनस अतहर हैं और एक चपरासी जो मूलतः बच्चे जब स्कूल में जाते थे उनका कलावा खुलवाने वगैरह का कार्य करता था, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है और न्यायालय भेजा, जिसमें न्यायालय ने उनको जेल भेज दिया है। और अब राजगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां प्रेमी की जमकर धुनाई की गई है। ग्रामीणों ने इस युवक को पकड़ा और बेरहमी से मारपीट की गई। इसके साथ प्रेमिका से मिलने के लिए प्रेमी यहां पर पहुंचा था, लेकिन प्रेमिका की शादी हो चुकी है और उस वजह से भीड़ आक्रोशित हुई। घायल प्रेमिका फिलहाल भोपाल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने 4 लोगों पर केस दर्ज किया है। बडरला गांव का यह पूरा मामला और वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल होता हुआ। अगर ग्रामीण आक्रोशित थे तो पुलिस को इस बारे में सूचित किया जाना चाहिए था, या फिर पारिवारिक स्तर पर इस विवाद को सुलझाया जा सकता था। लेकिन इस तरह से मारपीट करना कानून को हाथ में लेना माना जाता है और इसलिए 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। मारपीट का ये वीडियो भी आप देखिए। युवती से मिलने के लिए युवक यहां पर पहुंचा था, लेकिन युवती की शादी हो चुकी है और इसी वजह से आक्रोशित थे ग्रामीण। इस युवक को बुरी तरह से पीटा है और अब वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता हुआ। मारपीट करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, आगे की कार्रवाई भी पुलिस लगातार कर रही है। और अब अगली खबर नीमच से है, जहां जमीन विवाद में खूनी संघर्ष जैसी स्थिति पैदा हो गई। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। 13 साल पहले एक विवाद हुआ था और इसी विवाद के चलते आज खूनी संघर्ष की ये घटना सामने आई। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। सरवानिया चौकी का ये पूरा मामला है। नीमच से ये पूरी खबर, जिसमें 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, एक व्यक्ति की जान चली गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आपसी विवाद जो कि 13 साल पहले उपजा था, एक बार फिर से उसी के चलते खूनी संघर्ष में पूरा विवाद तब्दील हुआ। एक व्यक्ति की मौत जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देवास के गोला कुटान में 2 परिवार के बीच आपसी रंजिश में फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई भी की है। बताया जा रहा है कि सतवास थाना क्षेत्र के गोला गुटान गांव में पुरानी रंजिश के चलते दोनों परिवारों के बीच विवाद शुरू हुआ था। इसमें आरोपी वरुण देदड़ ने दूसरे पक्ष के राजू गोदारा, कैलाश गोदारा और सुनील पर गोलियां दागी। इससे बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अनिल गोदारा के पिता कैलाश और चचेरे भाई राजू की मौत हो गई, जबकि सुनील को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया। सुरेश का लड़का ने चलाई, राजेश ने भी चलाई और ये बाकी उन्होंने लट चलाया, बल्लम धारी और ये हथियार थे उनके पास। अभी पुलिस से क्या मांगे आपकी? हमारी मांग ये है कि जब लाश यहाँ से ले जाएंगे कि तीनों का घर बुलडोजर फिरना चाहिए। 3 मर्डर हो गए, समझ लो मेरा लड़का, उसका क्या भरोसा है? दो लड़के थे साहब मेरे, 2 ही मर गए। अब एक भाई मर गया मेरा, अब मेरा कौन है वहाँ पालन वाला, पूछूं मैं आपसे। खबर नीमच की मनासा विधानसभा से, जहां क्षेत्रीय विधायक माधव मारू का वन अमले को धमकाते हुए एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक जी कह रहे हैं कि मैं सामने हथियार लेकर खड़ा होता हूं, देखता हूं कौन सामने आता है। वायरल वीडियो मनासा विधानसभा के बताना गांव का, जहां वन अमला अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा। दरअसल गांव में गांधी सागर बांध बनने के बाद से विस्थापित किए गए ग्रामीणों को यहां पर बसाया गया, लेकिन वन विभाग इसे अतिक्रमण बताकर कब्जा हटाने के लिए पहुंचा। मामले की खबर जैसी विधायक को लगी, मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इधर बुरहानपुर में एक यात्री बस चालक के साथ बदमाशों ने मारपीट की है, जिसका एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। बदमाशों ने बस रोककर ड्राइवर के साथ जमकर मारपीट की। बस इंदौर से बुरहानपुर की ओर जा रही थी और रास्ते में रोककर बदमाशों ने ड्राइवर को बस से नीचे उतारा, उसके साथ मारपीट की गई। बस में सवार यात्री ने मारपीट का ये वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया है। चालक की शिकायत पर निम्बोला पुलिस ने केस दर्ज किया। बदमाशों की तलाश अब की जा रही है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बजरंगबली की एंट्री होने के साथ ही अब उनकी गदा भी नजर आ रही है। कर्नाटक चुनाव परिणामों से उत्साहित होकर प्रियंका गांधी का आगमन जबलपुर में हो रहा है और उनके स्वागत के लिए जबलपुर में जोरों शोरों से तैयारियां की गई हैं। पूरे शहर को पोस्टर और बैनर से पाट दिया गया है।
लेकिन इन सबके बीच विशाल गदा रखी गई है जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। छोटी लाइन चौराहे पर गदा को रखा गया। इस गदा को स्थापित करने वाले पूर्व वित्त मंत्री और पश्चिम विधानसभा से विधायक तरुण भनौत हैं, जिनका कहना है कि बीजेपी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के नाम का दुरुपयोग किया था। श्री राम के अनन्य भक्त भगवान हनुमान हैं और जिस तरीके से उनकी गदा कर्नाटक में चली है, वही गदा मध्य प्रदेश में चलेगा। सारी मर्यादाओं की सीमाओं को लांघते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी भगवान का नाम का दुरुपयोग करना शुरू किया था। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो किसी को कुछ नहीं कहते, पर उनके सबसे बड़े अनन्य भक्त भगवान बजरंगबली हैं। तो गदा उनकी कर्नाटका में चली थी और वही गदा मध्य प्रदेश में भी आ गई है। जबलपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के आगमन और आम सभा को लेकर पूरी कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। सोमवार 12 जून की सुबह 10 बजे प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंच रही हैं और सबसे पहले ग्वारी घाट पर नर्मदा पूजन करेंगी। वहां से सड़क मार्ग से भंवरताल गार्डन पहुंचकर रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर लोकार्पण माल्यार्पण करेंगी। इसके बाद गोल बाजार स्थित शहीद स्मारक पर आम सभा को संबोधित करना है। दो बड़े डोम्स यहां पर बनाए जा रहे हैं जिनमें 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। प्रियंका गांधी एमपी में चुनावी बिगुल का आगाज करने वाली है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने के लिए कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर आ रही हैं। इस वक्त हम खड़े हैं शहीद स्मारक के मैदान में, जहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आपके स्टेज बनाया जा रहा है और यहां पर एक बड़ा डोम बनाया गया है और इस डोम में हजारों कार्यकर्ता बैठकर प्रियंका गांधी को सुनेंगे। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि मध्य प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी को सुनना चाहती है, उन्हें देखना चाहती है और उनके मन की बात जानना चाहती है। बहरहाल विधानसभा चुनाव का बिगुल फूक चुका है और बीजेपी की तरफ से जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की, वहीं अब कांग्रेस प्रियंका गांधी को जबलपुर में लाकर जबलपुर से चुनाव का बिगुल फूंक रही है। इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के पूरी कांग्रेस जुटी हुई है, जिसमें प्रोग्राम की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी सुबह करीब 10 बजे जबलपुर पहुंचेंगी, जिसके बाद सबसे पहले ग्वारी घाट में नर्मदा पूजन करेंगी और पूजन के बाद फिर वहाँ से कार में सवार होकर कार्यक्रम स्थल तक आएंगी। रास्ते में भंवरताल गार्डन में रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए कुछ मिनट के लिए रुकेंगी। उसके बाद यहाँ कार्यक्रम में आएंगी। तकरीबन 4 घंटे प्रियंका गांधी जबलपुर में रहेंगी और इस दौरान वो यहाँ के तमाम नेताओं से मिलेंगी और इस कार्यक्रम में दावा किया जा रहा है कि पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और कांग्रेस के तमाम जो चाहने वाले हैं वो सभी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। बहरहाल कर का कार्यक्रम कितना सफल होगा यह देखने वाली बात होगी, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस में भारी उत्साह है। पवन पटेल, न्यूज 18 जबलपुर। विख्यात गणितज्ञ और पटना में सुपर 30 के संस्थापक पद्मश्री आनंद कुमार राजस्थानी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे। यहां पर कई मुद्दों पर चर्चा की। राजनीति में आने वाले सवाल पर भी आनंद कुमार ने कहा कि उन्हें कई पार्टियों से ऑफर भी मिला है। आनंद कुमार सामाजिक संस्था सार्थक के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने नए भारत में शिक्षकों की भूमिका पर भी व्याख्यान दिया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, मेयर पुष्यमित्र भार्गव, कमिश्नर पवन शर्मा और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. रेणु जैन, कलेक्टर रिलैया राजा टीम और बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी टीनू जैन मौजूद रहे। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।